हुक्म दे एहतजाज न करे। एक सहाफी कैद खाने में नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने गया। चौथाई दुनिया का मालिक उस वक्त एक सीलन ज्यादा कोठरी में मुकैद था। सहाफी ने पूछा, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नेपोलियन ने मुस्कुराकर छत की तरफ इशारा किया। सहाफी ने ऊपर देखा, छत से चाले लटक रहे थे। शिकस्त खोरदा बादशाह ने दीवारों की तरफ इशारा किया। सहाफी ने दीवारों पर नजर दौड़ाई। उनका पलस्तर उखड़ चुका था और ईंटें नमी से भुरभुरी मट्टी बन चुकी थी। नेपोलियन ने आखिर में फर्श पर हाथ फेरा। सहाफी ने घबरा कर नीचे देखा, टाइलें गायब थी। फर्श नाहमवार था और पलंग के पाए आध आध फुट तक जमीन में धंस चुके थे। सहाफी कोठड़ी के मुशाहिदे से फारिग हो चुका तो नेपोलियन ने शगुफ्ता लहजे में पूछा, तुम खुद बताओ, क्या ये जगह बादशाहों के रिहायश के काबिल है? सहाफी ने तासुफ से गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं नहीं एक्सीलेंसी, हरगिज नहीं। लेकिन आप इस सलूक पर एहतजाज क्यों नहीं करते? नेपोलियन ने कहकहा लगाया और नौजवान सहाफी का बाजू थपथपा कर कहा, बादशाह हुक्म दिया करते हैं और हुक्म ना दे सके तो खामोश रहा करते हैं, एहतजाज नहीं किया करते। मैंने ये वाक्या किसी मगरबी मौरिख की किताब में पढ़ा था। शायद इस वाक्य ही में इतनी जान थी कि लिखने वाला कैद खाने के देव हैकल दरवाजे पर पहुंचकर ये भूल गया कि वो एक ठंडा ठार मौरिख है, शायर नहीं। लिहाजा उसने दरवाजे के कब्जों की मकरू आवाज से लेकर कोठड़ी की बदबूदार नमी और नेपोलियन के कमजोर पलंग की चींची से लेकर छत से लटके जालों की सरसराहट तक हर लम्हे हर जाविये की इतनी खूबसूरत तस्वीर कशी की कि पढ़ने वाले चंद साहतों के लिए किताब से निकलकर नेपोलियन के सामने बैठ जाते हैं और उसके चेहरे की शगुफ्तगी, उसके लहजे का अटलपन और उसकी बातों में छुपी जहानत को महसूस करने लगते हैं। शायद राइटर की इसी गिरफ्त रवानी और जजयात निगारी का कमाल था। मैं किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और मौजू तो भूल गया, लेकिन गहरे तासुर में भीगे उसके दो तीन सफात मेरे हाफजे से इस तरह चिपक गए जिस तरह चबाई हुई च्युंगम बालों से चिमट जाती है। और आने वाले दिनों में जब मुझे बादशाहों, हुक्मरानों और फरमा रवाओं के चंद मजीद तस्करे पढ़ने का मौका मिला और कौमों के अरूज व जवाल की कहानियां नजरों से गुजरी तो मालूम हुआ नेपोलियन के फलसफे में हकीकतन बड़ी जान थी और हुक्मरान वाकई सिर्फ इसी वक्त एहतजाज किया करते हैं जब अपनी कमजोरी, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं, वरना हर पुर उम्मीद हुक्मरान खा वो माजूल ही क्यों ना हो आखिरी वक्त तक हुकूमत करता रहता है या अपने आसाब अपने जिस्म की सल्तनत का बादशाह रहता है, क्योंकि वो जानता है हुकूमत की लुगत में एहतजाज एतराफ़ शिकस्त का दूसरा नाम होता है। मुझे नहीं मालूम वो क्या अवामिल हैं या वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बाइस पिछले 3.5 माह से हुकूमत की सफ़ों से तवातर से ऐसे बयानात और ऐलानात आ रहे हैं जिनमें एक तरफ तो मजबूत जमहूरी हुकूमत के अटलपन की झलक नजर आती और दूसरी तरफ हुक्म की जगह एहतजाज और उम्मीद की जगह एक गैर शौरी एतराफ़ शिकस्त नजर आता है। आप पिछले चंद दिनों के अखबारात उठाकर देखें, आपको जगह जगह इस किस्म के फिक्रे नजर आएंगे। इस निजाम ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। हम एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी खराब हो जाती है। हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन रुकावटें बहुत हैं, मजबूरियां बहुत आड़े आती हैं। हम लोगों के हालात देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें अफसोस है हम अपने अवाम को अमन, इंसाफ और तहफ्फुज नहीं दे पा रहे। हमारी नीयत नेक है लेकिन ये निजाम हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वगैरह वगैरह। आप जो जो ये बयानात पढ़ते जाएंगे आपको महसूस होगा एक ऐसी हकूमत जिसे अवाम ने 18 फरवरी को एक शानदार मैंडेट दिया, जिसे आइन ने इतनी ताकत से नवाजा कि सदर परवेज मुशर्रफ, मुस्लिम लीग काफ और शौकत अजीज उससे टकरा कर पाश पाश हो गए, जिसे वक्त और हालात ने इतनी कुव्वत दी कि पूरे मुल्क में कोई एक भी ऐसा लीडर नहीं बचा जो उसके सामने खड़ा हो सके। किसी ऑपोजिशन लीडर को इतनी स्ट्रीट पावर हासिल नहीं कि वह हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सके, लेकिन वही हुकूमत इस निजाम के सामने इतनी बेबस, लाचार और कमजोर है कि उसकी आंख में आंसू तो आते हैं, उसका दिल तो रोता है, लेकिन वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती। इन्हें अमन,
इंसाफ, रोजगार और तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकती। कौन यकीन करेगा इस बात पर? हुकूमत के इस दावे पर कौन ईमान लाएगा? दुरुस्त है, यह निजाम पत्थरों से भरा रास्ता है जिस पर कोई भी शख्स अपनी चाल की रवानी बरकरार नहीं रख सकता। ये बदबूदार पानी का एक ऐसा जौहर है जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं बीमारियां देता है। ये एक ऐसी दलदल है जो आगे पढ़ने वाले हर कदम को नीचे खींचती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर इस निजाम को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ नहीं ठीक कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोलिशन की इतनी ताकत, इतना बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी आईनी और पार्लिमानी कुव्वत इसके सामने बेबस हो चुकी है तो फिर इसके बाद तो आसमान से फरिश्तों के नजूल का इंतजार ही किया जा सकता है। जरा सोचिए, क्या पूरी दुनिया में इस हुकूमत की कोई ऑपोजिशन थी? दुनिया के तमाम ममालिक ने कोलिशन का खैर मकदम किया था। 9 मार्च को भोरबन में ऐलान मरी हुआ तो पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई और दोनों सियासी जमातों का ग्राफ आसमान को छूने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ? हुकूमत जजेस की बहाली जितना मामूली और आसान काम भी नहीं कर सकी और उसके बाद हुकूमत की ताकत रेत की तरह उड़ती हुई दिखाई दी। और आज लोग एक दूसरे से पूछते हैं, जो हुकूमत जजेस को बहाल नहीं कर सकी वो दूसरे और मुश्किल काम कैसे करेगी? वो महंगाई, बेरोजगारी और अमनो अमान का मसला कैसे हल करेगी? और बदकिस्मती से हुकूमत के किसी ओहदेदार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। हुकूमत की हालत तो ये है, चंद दिन पहले हुकूमत ने कुदरती गैस की कीमत में इजाफा कर दिया जिसके नतीजे में CNG की कीमत में फी किलो 13 रुपए इजाफा हो गया। 2 दिन तक अवाम नए निर्ख पर गैस खरीदते रहे। इन 2 दिनों में अवाम का 20 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से वजाहत आ गई, इजाफा 13 रुपए नहीं बल्कि 5.5 रुपए था और गलती से 13 रुपए अनाउंस हो गया। क्या इस फराट को गलती कहा जा सकता है? क्या ये हुकूमत होती है? और क्या इस हुकूमत को हुकूमत कहना चाहिए? जनाब आली, हुकूमत हुक्म देने की ताकत का नाम है और जिस हुकूमत की हुक्म देने की ताकत सलब हो जाए उसके पास बेचारगी, बेबसी और अफसोस बाकी रह जाते हैं। और जनाब आली, मजबूत, अटल और पुर उम्मीद बादशाह की जुबान पर हुक्म सजता है, एहतजाज नहीं। चुनाचे मेरी हुकूमत से दरखास्त है, वो हुक्म दे, एहतजाज ना करे। लोगों को आपके आंसू और नेक नियति नहीं चाहिए, फैसले चाहिए, अमन, इंसाफ और रोजगार चाहिए। और आपके पास सब कुछ है लेकिन हुक्म करने और इस पर अमल दरामद कराने की ताकत नहीं।